I was shaken up. I was, my confidence was at a low. But when you've just entered the film industry and after your first two films, people put you on this unrealistic, unmaintainable pedestal. You don't imagine that you will be taken off it. Utar chadav hote rahenge, but who you are from within na, if you lose that, that's when it gets really sad. क्या सारा अली खान वरुण धवन के साथ कूली नंबर वन करने के डिसीजन को करती हैं रिग्रेट? But Anand ji put it for me very clearly. He said Sara has seen failure, but Rinku hasn't. And if you are now going to be Rinku, you have to be her with conviction. Therefore, you are a confident, assertive, strong girl, and you just have to go out there. I've been the kind of person that has always been confident without a reason. You know, लोग बोलते हैं ना कि rebel without a cause. I've been confident without a cause. You know, मतलब I mean I was 96 kgs when I used to walk around school being like, yeah man, I'm hot. So you know, and, amazing. And I think that comes from knowing that उतार चढ़ाव होते रहेंगे, but who you are from within ना, if you lose that, that's when it gets really sad. And I don't think I allowed that to happen. सारा अली खान ने क्यों कहा उन्हें अब किसी भी रीमेक फिल्म में नहीं करना काम? सारा अली खान ने अपने करियर को लेकर लिया बड़ा डिसीजन। सारा अली खान फिलहाल अपनी फिल्म अतरंगी रे की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं और अकॉर्डिंग टू सोर्सेस अपनी इस फिल्म की सक्सेस के बाद सारा अली खान ने अपने करियर को लेकर कुछ बड़े डिसीजंस लिए हैं। जी हाँ, सारा अली खान ने फैसला किया है कि वो सिर्फ मीटी रोल्स को सिलेक्ट करेंगी और रीमेक से दूरी बनाकर रखेंगी। दरअसल सारा अली खान को अब तक जो भी सफलता मिली है वो उनकी मीटी रोल्स वाली फिल्म्स की वजह से मिली है, चाहे वो हो उनकी डेब्यू फिल्म केदारनाथ या फिर अतरंगी रे। इन दोनों ही फिल्म्स में सारा अली खान का कैरेक्टर था काफी स्ट्रॉन्ग। शायद यही वजह है कि सारा अली खान अब खुद के लिए ढूंढ रही हैं मीठी रोल्स। वैसे जहां तक रीमेक्स की बात है, सारा अली खान ने वरुण धवन के साथ कूली नंबर वन में काम किया था और इस फिल्म के लिए सारा अली खान को मिले थे काफी बैड रिव्यूज। शायद यही वजह है कि सारा अली खान अब दूरी बनाना चाहती हैं रीमेक फिल्म्स से। नॉक नॉक, हूज दैट? कैश। कैश हू? नो थैंक यू, बट आई डोंट माइंड सम पीनट्स। ओह गॉड। वैसे सारा अली खान ने मजाक में ये जरूर कहा है कि उन्हें अगर किसी फिल्म का रीमेक करना होगा तो वो उनकी फिल्म अतरंगी रे होगी। वहीं सारा अली खान इस बात को लेकर क्लियर हैं कि वो आनंद एल राय और रोहित शेट्टी जैसे फिल्म मेकर्स के साथ फिर से काम करना चाहती हैं। सारा अली खान ने कहा, नो मोर रीमेक्स फॉर मी राइट नाउ, आई विल स्टार इन द रीमेक ऑफ अतरंगी रे। You tell Anand ji and we will start rolling at India Gate in Delhi. वैसे सारा अली खान हाल ही में विकी कौशल के साथ लुका छिपी 2 की शूटिंग खत्म करके मुंबई लौटी हैं और अकॉर्डिंग टू सोर्सेज वो इस वक्त हैं सुपर बिजी। सारा अली खान के एक करीबी का कहना है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम लक्ष्मण उतेकर्स फिल्म फ्रॉम इंदौर, सारा हैज बीन रनिंग ऑन अ क्रेजी वर्क स्केड्यूल। She is finishing all her brand commitments before going on the next film's set. Her day is filled with brand shoots, dubbing for them and daily workouts. Well, Sara Ali Khan is waqt apne career ke ahem padav par hain. Aise mein wo conscious decision le rahi hain ki unhein kis tarah ki films ko karna hai aur kise reject. We just hope Sara Ali Khan apne talent ko prove kar paye to her fans.